बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका स्पाइस कतर का विदाम नजवीद यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो आज हमारे किचन में बन रही है हरी मिर्च की भजिया विद सैलेड। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। हरी मिर्च की भजिया बनाने के लिए हम पहले सैलेड रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून रफली चॉप गाजर लिया है, 2 टेबलस्पून रफली चॉप टमाटर लिया है, 4 टेबलस्पून मायोनीज लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून रफली चॉप प्याज लिए हैं, 2 टेबलस्पून रफली चॉप खीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। बाउल में हम गाजर ऐड कर लेंगे, खीरा ऐड कर लेंगे, टमाटर ऐड कर लेंगे, प्याज ऐड कर लेंगे, चाट मसाला ऐड कर लेंगे, नमक ऐड कर लेंगे और मायोनीज ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सैलेड हमारा रेडी हो चुका है। मिर्ची फ्राई करने के लिए हम उसका बैटर बना देंगे। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून सूखी मिर्चें ली हैं, 1 पिंच मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। हसब जरूरत पानी लेंगे बेसन मिक्स करने के लिए। बाउल में बेसन ऐड कर देंगे, सूखी मिर्ची ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, नमक, इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और थिक सी दही बना देंगे। बेसन हमने रेडी कर लिया है। अब हम हरी मिर्चें ले लेंगे लंबी लंबी, इन्हें मैंने धो लिया है। अब हम इन्हें काट के इनके अंदर से सीड निकाल देंगे। इसके अंदर के जो ये सीड है ये हम काट के सारे निकाल लेंगे। सारी मिर्चों के अंदर से मैंने सीड निकाल ली है, ये देखें। अब हम बेसन में डिप करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल डाल के हमने गरम कर लिया है। अब हम एक मिर्च लेंगे, उसे बेसन में अच्छी तरह डिप करेंगे। मिर्च को हमने अच्छी तरह डिप कर लिया है बेसन में। अब हम इसे फ्राई कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम बाकी मिर्चों को डिप करके फ्राई करते जाएंगे। मिर्चें मैंने इसमें सारी ऐड कर दी हैं। अब हम इन्हें इनकी साइड चेंज करके इनका कलर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इन पर माशाल्लाह। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सैलेड के ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे और ये मज़ेदार मिर्च भजिया विद सैलेड रेडी हो चुकी है। तो मज़ेदार मिर्च भजिया हमारी रेडी हो चुकी है। आप दोपहर में इसको बनाएं, रोटी के साथ आप इसे इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की बनती है। मैं अपनी सिस्टर से टेस्ट करवाती हूँ कि कैसी बनी है। चलें आप ही टेस्ट करें कैसी बनी है। ओके बहुत मज़े की बनी है, आप तक भी ट्राई करिएगा।
बहुत ही मज़े की और स्पाइसी हरी मिर्च की भजिया विद सैलेड हमारे डैडी हो चुका है। आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आमना द्वेद को दें इजाज़त, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।